हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हैप्पी एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी आप लोग का बहुत सारा इंटरव्यू आने वाला है। अभी रिसेंटली IBPS RRB PO का इंटरव्यू है, इसके बाद फ्यूचर में आप लोग को SBI PO के इंटरव्यू में एंड IBPS PO के इंटरव्यू में अपीयर होना है। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी एंड जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था IBPS PO का वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड बैकग्राउंड में थोड़ा ट्रैफिक का नॉइज़ है, उसके लिए मैं आप लोग को पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू है ना, आपको उनसे बातचीत करने जाना है एंड उस बातचीत के थ्रू जो भी आप 15-20 मिनट्स बातचीत करने वाले हैं, उस बातचीत के थ्रू जो भी आपका पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी क्वालिटीज़ है, आपको उनको बताना है या अपने बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट करना है। एंड आई डोंट थिंक कि इतना मुश्किल काम है अपनी तारीफ करना, हम सभी अपनी तारीफ कर सकते हैं। वेल जोक्स अपार्ट, सबसे पहले जो भी कॉमन कन्फ्यूजन रहता है सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में, उसके बारे में बात करूंगी। एंड जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को कंसर्न रहता है हम लोग का, वो है लैंग्वेज को लेके। एंड जब मेरा इंटरव्यू था, मैंने अपने टीचर से जाके बोला कि मैं इंग्लिश बोलते बोलते बीच में स्टैमर करने लगती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि जो इंटरव्यू है वो तुम्हारी पर्सनालिटी का टेस्ट है और लैंग्वेज से कभी भी तुम्हारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तुम अपनी बात को कितनी कॉन्फिडेंटली उनके सामने रख पाती हो, कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो तुम चाहो तो अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे सकती हो, इंग्लिश से बात करते करते मिड ऑफ द आंसर में हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी स्विच कर सकती हो। तो जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उसमें बात करना है। एंड RRB PO के इंटरव्यू मेरे को लगता है काफ़ी बारी वो रीजनल लैंग्वेज में ही बात करने लग जाते हैं। इवन IBPS PO के इंटरव्यू में रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है कैंडिडेट्स का कि वो जो भी स्टेट है उसके लोकल लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग का, टू मच टू स्टडी। आपको अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं, आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज करके जाना है, प्लस में आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको भी रिवाइज करना है। तो इतनी सारी चीज़ें 15-20 डेज या 1 मंथ में कैसे हो पाएगी? तो सबसे पहली बात, आपका जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन है वो अपने लास्ट के 20-25 ईयर्स में मोर देन 50% से ज़्यादा प्रिपेयर करके रखा है। ये जो आपको टाइम मिला उसमें सिर्फ आपको जो भी आपको पता है उसको ब्रशअप करना है। तो ये 15-20 डेज में आप ब्रशअप कर लेंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है उस पर्सनल क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपर कॉपी में लिख के ड्राफ्ट करिए कि आप वहाँ एक्चुअली क्या बोलने वाले हैं। मन में मत सोचिए कि मैं ये बोल दूंगा, मैं सजेस्ट करूँगी कि कॉपी में लिखिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर में क्या बोलेंगे। एंड विद टाइम जब आप एक बार बोलेंगे, दो बार ही बोलेंगे, तो आपको कुछ और पॉइंट्स याद आएंगे, फिर आपको उनको आंसर को इम्प्रूव करते जाना है। एंड जब आप अपना आंसर, सारे पर्सनल क्वेश्चन का आंसर लिख के ड्राफ्ट कर लें, तो उसको मिरर के सामने बोल के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाके बिना गलती के एकदम फ्लुएंटली उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। अब आती है बैंकिंग अवेयरनेस की बात। बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड मुझे नहीं लगता कि हर किसी का आप एकदम थ्योरेटिकल वर्ड बाय वर्ड डिफिनेशन याद कर सकते हैं, जो फुल फॉर्म्स वगैरह हैं वो याद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी बैंकिंग टर्म है उसको आपको कोशिश करना है कि अपनी लैंग्वेज में आपको समझ के जाना है एंड वहाँ जाके आपको उनको वही बात समझानी है कि उस चीज़ को आप कैसे समझते हैं। तो रटने के जगह उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसी चीज़ को जो आपने समझा है उसको मिरर के सामने बोल के आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसका जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्या करना है, बस उसको ब्रशअप कर लेना, थोड़ा मोरा रिवाइज़ कर लेना, एकदम इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ना, थोड़ा रिवाइज़ कर लेना। एंड 2-3 दिन का आप जब से ही इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें तो न्यूज़पेपर पढ़ना, भले आपने पहले नहीं पढ़ा हो, अभी आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि कई बार वो न्यूज़पेपर में जो रहता है आज के न्यूज़पेपर में क्या था वो पूछ लेते हैं, या फिर 2-3 दिन का जो बर्निंग टॉपिक रहता है वो पूछ लेते हैं। एंड जी आपका सिग्निफिकेंटली अच्छे से प्रिपेयर होगा क्योंकि आपका मेंस ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो आपको GA को लेके बस थोड़ा बहुत रिवाइज करके जाना है। तो इतना सारा काम हो जाएगा, आप अच्छे से टाइम एलोकेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वो गैप ईयर को लेकर, इसके लिए भी मेरे सर ने बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ बोली थी कि अगर मान लीजिए उनको कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो किसी BTech बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर गैप ईयर के साथ आ रहा है, अगर उनको ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए होता तो अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बोल देते ये कैंडिडेट्स एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब है कि आप इक्वली डिज़ायरेबल कैंडिडेट हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका गैप ईयर है उसका एक्सप्लेनेशन रह देना है
ट्रूथफुल रहेंगे, ये नहीं कि कोई सुपरफिशियल स्टोरी बना रहे हैं, बिल्कुल ट्रूथफुल रही है। एंड अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको टाइम लग गया है, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने अपने पिछले फेल्योर्स से क्या सीखा है, आपने इस जर्नी में क्या सीखा है, कि आप कैसे डिसिप्लिन हुए, आपने कैसे अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाया, आप कैसे अपने आप को कितना ज़्यादा पेशेंट बने इस प्रोसेस में। एंड अगर आप साइमल्टेनियसली कुछ अपना हॉबी परस्यू कर रहे थे तो वो बता सकते हैं, या फिर आप किसी और जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आप वो बता सकते हैं कि आपने उससे स्विच किया है। एंड फिर बताइए कि आपने स्विच किया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको कहीं कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था, इसलिए अपना इंटरेस्ट को उससे कोरिलेट करके दिखाने की कोशिश कीजिए। तो आप 3-4 बार ड्राफ्ट करेंगे, दूसरे लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने इस आंसर को प्रिपेयर कर लेंगे। बस आपको ट्रूथफुल रहना है और एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सब्जेक्टिव है एंड इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, बट मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको इसका एक आंसर देने की कोशिश करूँगी आगे के वीडियो में, क्योंकि मेरे साथ सेम सिचुएशन हुआ था। मुझे आउट ऑफ नर्वसनेस या पता नहीं क्या था, मुझे इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम उस वक्त याद नहीं आ रहा था इंटरव्यू के टाइम में, एंड मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया ये मैं आगे वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, तो आपको ये वीडियो आगे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है ड्रेस को लेके, कई सारे पैनल्स जो होते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे ड्रेसअप हो, क्या है, इतना माइंड नहीं करते, लेकिन रियल लाइफ में मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस था कि उनको उसको पैनल ने उसके अटायर को लेके डांटा था। तो आपको कोई भी चांस पैनल को नहीं देना, वेदर इंडियन पहन रहे हो, वेस्टर्न पहन रहे हो, आपको हेड टू टो बिल्कुल पूरा फॉर्मल अटायर में जाने की कोशिश करनी है। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो मॉक इंटरव्यू में मेरे से जो पहला क्वेश्चन होता था यूजुअली ये होता था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मेरा माइंड जो था उसी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर था। लेकिन जो मेरा रियल लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो टोटली डिफरेंट, टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो आप भी अपने दिमाग में कोई प्री कंसीव नोशन लेके मत जाइए कि आपका इंटरव्यू ऐसा होगा, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ जाइए। तो जब मैं पैनल के सामने गई, मैंने उनको ग्रीट किया, उन लोगों ने मुझे सीट ऑफर किया, मैंने थैंक यू बोला, और मैं जैसे ही बैठी तो उस वक्त वो लोग मेरा बायोडाटा फॉर्म देख रहे थे और उन्होंने मेरा जॉब एक्सपीरियंस देखा और उन्होंने मुझसे पूछा तुम लास्ट जॉब छोड़ के क्यों यहाँ आ गई। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मेरा इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस शीट में, फिनांस में है ना ज़्यादा है, और प्लस मैं पीपल्स पर्सन हूँ, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि जो बैंकिंग का जॉब है वो मेरे सारे इंटरेस्ट को कंबाइन करके मुझे एक बहुत अच्छा कैरियर प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं बैंकिंग जॉब के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पे उन्होंने एक टर्म पकड़ लिया कि मैं पीपल्स पर्सन, उन्होंने बोला कि मुझे भी बहुत बात करने का शौक था, लेकिन सुबह शाम जब 10 दिन कस्टमर दिमाग खाएगा तो सारा जो लोगों से बात करने का तुम्हारा भूत है वो उतर जाएगा। तो मैंने थोड़े से स्माइल किया और फिर मैंने उनको बोला कि मैम मेरे बहुत सारे दोस्त अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं और मैं उनको सुनती हूँ और अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कस्टमर हैंडल कर लूँगी। तो इस पर उन्होंने कहा इतना बात करने का शौक है तुम्हें, तो एक काम करो मेरे साथ एक दिन रात भर बैठ के बात करो, शौक ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि मैम अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहूँगी, आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहूँगी। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा स्माइल किया और फिर उन्होंने बोला कि अब इंटरव्यू स्टार्ट करें, मैंने बोला यस मैम, तो बोलती है कि रिलैक्स हो गई, मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने बोला कि मी टू मूवमेंट के बारे में तुमने सुना है क्या, तो मैंने बोला यस मैम मैंने सुना है। फिर मैंने उनको बताया कैसे ये बाहर से स्टार्ट हुआ, अभी इंडिया में आया, कैसे इसमें सेलिब्रिटीज़ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तो कहती तुमको लगता है इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में क्रिएट हुआ है, क्योंकि कुछ भी अरेस्ट तो हुआ नहीं, सिर्फ काफ़ी ज़्यादा बज क्रिएट हो गया। तो मैंने उनको बोला कि मैम जो कॉमन गर्ल्स होती हैं, कॉमन पीपल होते हैं, हम लोग सेलिब्रिटीज़ की लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो अगर सेलिब्रिटीज़ आके किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो इससे बहुत सारी कॉमन लड़कियों को स्ट्रेंथ मिलेगा कि वो भी इस टॉपिक के बारे में, अगर उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, वो उसके बारे में खुल के बात कर सकें, शेयर कर सकें। तो मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। दोनों ने फिर बोला कि ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए सीखने के लिए है कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देना है, चाहे अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ गया है तो वहाँ पे आपको कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना, आपको दोनों साइड के व्यू को बैलेंस करके प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, कभी भी किसी चीज़ को लेके नेगेटिव आंसर नहीं देना है। एंड आपको
कभी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछ लिया कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर उस स्कीम के बारे में बताइए, तो हमेशा उसकी अच्छी चीज़ें हाईलाइट कीजिए और जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती है उसको बताइए। लेकिन बिल्कुल निगेटिव टोन में आंसर नहीं देना कि ये चीज़ बेकार है, अच्छी नहीं है, ऐसा कोई भी आंसर देने से आपको बचना है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चार या पांच जो वुमेन हैं जो कि बिज़नेस बैंकिंग फील्ड से एसोसिएटेड है उसका नाम बता सकती हो, तो मुझे उस वक्त तीन या चार नाम याद थे, मैंने वो बताया और उसमें से एक नाम मैंने लिया कि ये जो है ये मेरी रोल मॉडल है, मैं इनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। तो यहाँ भी मैंने एक अच्छी चीज़ की कि मैंने एक आंसर के थ्रू ये भी अपना एक साइड रिफ्लेक्ट किया कि मैं रियली बैंकिंग इंडस्ट्री में आने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर आप भी किसी आंसर के थ्रू ऐसा रिफ्लेक्ट कर पाएँ तो वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पांच वोमेन स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बता सकती हो क्या, तो फिर मैंने बताया और फिर वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है वो बताया। तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है तो उसको वहाँ पे आप खुल के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बातों बातों में कुछ बात में मेरे मुँह से कुछ चीज़ें निकली, फिर उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो आप जो भी आंसर देंगे उसमें से वो कुछ वर्ड्स पिक करके आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, उसका आइडिया नहीं है, तो कोशिश कीजिए वो आपके आंसर्स में वो वर्ड आए भी नहीं, ठीक है। उसके बाद बातों बातों में अचानक से इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम आया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि इंडिया के तीन या चार प्रेसिडेंट का नाम बताओ, तो मैंने तीन या चार प्रेसिडेंट का नाम बताया। तो उन्होंने बोला तुमने तो अभी करंट वाले को मेंशन ही नहीं किया, तो करंट वाले का नाम क्यों नहीं लिया। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था उस वक्त, पता नहीं अंडर नर्वसनेस या क्या मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा चुप हुई। तो इस पे पैनल बोलता है तुम्हें प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है या नहीं पता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि वो लोग को लग रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया। फिर मैंने जो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स मुझे याद आ रहे थे मैंने सब बताया, और फिर मैंने बोला कि मैम मुझे नाम पता है, इट्स जस्ट इन अ मोमेंट कि मैं अभी वो नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए बोला कि नहीं तुमको याद करना पड़ेगा, याद करके मुझे बताओ। तो फिर मैंने उनको पोलाइटली थोड़ा सोचने के बाद बोला कि मैम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं हिंट दूंगी, तुम याद करने की कोशिश करोगी। मैंने कहा यस मैम मैं ट्राई करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कुछ गोविंद नाम का नाम सुना हुआ सा लग रहा है, तो मुझे राइमिंग वर्ड से याद आ गया। फिर मैंने उनको बताया कि रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछा, मैंने दो तीन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताया। तो ऐसे ही मेरा इंटरव्यू चल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स पूछना स्टार्ट किया। कुछ टर्म्स मुझे आ रहे थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किया अपने लैंग्वेज में, फिर कुछ टर्म्स थे जिनका मुझे आइडिया नहीं था, तो वहाँ मैंने पोलाइटली बोल दिया कि सर मुझे आइडिया नहीं है इस टॉपिक का। लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं बोल देना है पोलाइटली कि मुझे आइडिया नहीं है, आपको बोलना है कि मुझे आइडिया नहीं इस टॉपिक का, लेकिन मैं घर जाके इसके बारे में पढ़ूंगी या फिर इंटरव्यू ख़त्म होने के बारे में ज़रूर मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ के अपना नॉलेज इंक्रीज़ करूंगी। इन केस अगर वो आपको बताते हैं उस चीज़ के बारे में तो आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सर आपने अपनी नॉलेज मेरे साथ शेयर की। इन केस अगर मान लीजिए इंटरव्यू जो है ना थोड़ा इमोशनल गेम भी है, अगर आप उनको थोड़ा इमोशनली बायस कर लेते हैं अपने लिए तो वहाँ पर आप कुछ ब्राउनी पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। तो जो मेरे टीचर थे जिनसे मैंने मॉक के लिए क्लासेस ली थी, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टली कभी भी ऐसा मत बोलना कि एकदम ब्लंटली कि नहीं मुझे आंसर याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे तुम्हें थोड़ा अपना एक्टिंग स्किल्स यूज़ करना है, जैसे सर थोड़ा डाउन करो, सोचने की कोशिश करो, थोड़ा होता है ना पपी डॉग फेस बनाओ एंड देन बोलो कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या फिर मुझे आइडिया नहीं है। तो इससे ना आप थोड़ा उनको इमोशनली अपने लिए बायस कर पाओगे। तो आपको ट्रूथफुल रहना, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो नहीं ही बोलना है, लेकिन थोड़ा इमोशनल कोशेंट उसमें ऐड करने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने उनको लास्ट में उन्होंने बोला कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। तो इंटरव्यू के टाइम आपने देखा कि आपको कुछ भी हो रहा हो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तब तो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग रियली आपकी पर्सनालिटी जानने में इंटरेस्टेड हैं। आपकी पर्सनालिटी क्यों जानना चाहेंगे वो, क्योंकि वो आपको लेने में इंटरेस्टेड है। तो अगर इंटरव्यू डिफिकल्ट हो रहा है तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाइए उस वक्त, तो आपकी चलो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जो मेरा 15-20 मिनट्स का पूरा इंटरव्यू था, उसके बाद में मैंने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सर आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा पहला बैंकिंग इंटरव्यू था। तो उन लोगों ने फिर मुझे स्माइल के साथ ग्रीट किया और फिर मुझे जाने के लिए बोला। तो वहाँ में मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो ये सारा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझसे बहुत सारे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जो आंसर मुझे आ रहा था मैंने उनको अच्छे से बताया। अगर आपको कोई टॉपिक बहुत डिटेल में पता है तो उसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए।
जो चीज़ें शॉर्ट में पता है उनको शॉर्ट में बताने की कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन का शॉर्ट में इंटरव्यू एक्सप्लेनेशन नहीं देना है उनको, क्योंकि हर कैंडिडेट को 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो एक तो आपके नॉलेज की डेप्थ का उनको आइडिया लगता है, प्लस में आप जो अपना उनका काइंड ऑफ रफली एलोकेटेड टाइम है उसका मेजर टाइम अपना अच्छा चीज़ बताने में चला जाता है, तो ये सब ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आप लोग भी कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप 80% ऑफ द हर्डल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, ये रिमेनिंग 20% भी आप आसानी से क्रॉस कर लेंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से अपनी सारी स्किल्स को, अपने रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छे से ब्रशअप कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।